नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यादव गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ चुस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं रेडीमेड अगरबत्ती पैकिंग बॉक्सेज के ऊपर, जो कि 30 MRP की होगी। इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ के अंदर हमने बात किया हुआ है 10 रुपये में बिकने वाली अगरबत्ती के बॉक्सेज के ऊपर, 5 रुपये में बिकने वाले अगरबत्ती बॉक्सेज के ऊपर। एक वीडियो हमने 20 रुपये में बिकने वाले अगरबत्ती बॉक्सेज के ऊपर भी बनाया हुआ है। यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन के ऊपर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाके ज़रूर देखिए और ऑर्डर कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर 30 MRP की अगरबत्ती बॉक्सेज के ऊपर। जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये हमारे एक्सक्लूसिव डिज़ाइंस है कुछ 30 MRP की अगरबत्ती बॉक्सेज की, जो कि काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की बॉक्सेज है, काफ़ी हाई क्वालिटी की बॉक्सेज है, जो कि काफ़ी हार्ड बोर्ड से बनाई गई है। मतलब ये एकदम टफ टाइप की है, आप इसकी आवाज़ से समझ पा रहे होंगे कि ये कितनी टफ टाइप की बोर्ड से बनी हुई बॉक्स है, जो कि आप अपने यहाँ मंगवा सकते हो। तो इस बॉक्सेज की क्या स्पेसिफिकेशंस है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहली चीज़ की ये जो बॉक्स है हमारी, ये 320 GSM के बोर्ड के अंदर बनाई गई है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की बोर्ड की इसमें यूज की गई है, जो कि रेडीमेड बॉक्सेज के अंदर काफ़ी कम देखने को मिलता है। क्योंकि कोशिश होता है कि रेडीमेड जो भी बॉक्स होता है उसको सस्ता से सस्ता बनाया जाए, बट बहुत सारे बंधुओं का ये डिमांड आ रहा था कि रेडीमेड बॉक्स ही हमें थोड़ी सी प्रीमियम क्वालिटी में चाहिए, तो उन बंधुओं के डिमांड के ऊपर ही ये बॉक्स हम लेके आए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए फटाफट हम लोग इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। इसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, इसके अंदर आप लोग बॉक्स अगरबत्ती वगैरह कितना फील कर सकते हो, उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करते हैं। तो पकड़ लिया है हमने स्केल और देखते हैं इसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है और इसकी मोटाई क्या है बॉक्स की। तो जैसा कि देख पा रहे हो, ये लंबाई है, हमने स्केल पकड़ा हुआ है, 10 इंच इस बॉक्स की लंबाई है। ये वाला जो फ्रंट होता है इसे लंबाई कहते हैं हम लोग, तो ये 10 इंच है। इस बॉक्स की चौड़ाई हम लोग देख लेते हैं, 3.25 इंच इस बॉक्स की चौड़ाई है, आपको दिख रहा हो शायद, 3.25 इंच इस बॉक्स की चौड़ाई है। इस बॉक्स की मोटाई देख लेते हैं हम लोग, तो इस बॉक्स की जो मोटाई है वो 1 इंच है, 1 इंच इस बॉक्स की मोटाई है। इसके बाद इसके ऊपर प्रिंट वगैरह क्या किया हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फ्लेवर का नाम लिखा हुआ है, इसके बाद इसको यूज कैसे करना है उस चीज़ के बारे में इस पर डिटेल दी हुई है। इसके बाद हम लोग MRP देख लेते हैं, MRP इसके ऊपर 30 रुपये लिखी गई है और नेट वेट 60 ग्राम लिखी हुई है, 60 ग्राम्स एंड MRP 30 रुपीज। तो आप इसे 30 रुपये में पैक करके भेज सकते हैं, 60 ग्राम इसके अंदर आपको अगरबत्ती भरनी होती है। इसके अंदर अभी हमारे पास 3 तरह की डिज़ाइनें अवेलेबल है जो कि आप मंगवा सकते हैं। कैसे मंगवाना है, तो पहली चीज़ की जो भी ये बॉक्सेज होती है वो कुरियर के थ्रू भेजने में थोड़ी सी कॉस्टली हो जाती है, तो हमारी कोशिश होती है कि ये बॉक्सेज आप तक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से पहुंचाई जाए। क्योंकि कुरियर के चार्जेज 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये किलो की होती है, वही चीज़ अगर ट्रांसपोर्ट से जाती है, मान के चलो हमारा यहाँ मुजफ्फरपुर से माल जाता है महाराष्ट्र, तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या होता है कि 50 KG का अगर एक बैग है ट्रांसपोर्ट से जाती है, तो 50 KG का अगर एक बैग है तो वो 500 से 600 रुपये के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाती है। बट वही चीज़ अगर आप 50 KG की बैग है और कुरियर से हम भेजते हैं तो उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो कोशिश करिए आप सभी भी कि आप ट्रांसपोर्ट से ही मंगवाएं, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, 2-4 दिन का अंतर होता है, बट थोड़ा सा कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है। दूसरी चीज़ जो कहना चाहूँगा कि आप इस बॉक्स को मंगवा तो सकते हैं, आप जितना चाहो 1000 पीस बोलो हम 1000 पीस भी भेज सकते हैं, आप 500 पीस बोलो हम 500 पीस भी भेज सकते हैं। बट इशू क्या आता है कि आप यदि महाराष्ट्र में बैठे हो, आप उड़ीसा में बैठे हो, आप वेस्ट बंगाल में बैठे हो, आप उत्तर प्रदेश में बैठे हो, या फिर आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, भारत के किसी भी अन्य राज्य से हो, तो ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट होता है, जो भी इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट कंपनीज है उनका होता है कि एक मिनिमम वेट फिक्स होता है, जैसे 40 KG, 50 KG, 60 KG या 30 KG, जो भी हो, अलग अलग ट्रांसपोर्ट का अलग अलग मिनिमम वेट होता है। उससे अगर आपका कम भी माल रहता है, जैसे कि मान के चलते हैं कि 50 किलो का
मुजफ्फरपुर, हमारा जो मुजफ्फरपुर शहर है, इस मुजफ्फरपुर शहर से महाराष्ट्र जाने का जो भाड़ा है वो लगता है 50 केजी के बैग का 600 रुपये। अगर 50 केजी से कम का भी बैग है, जैसे 10 केजी का हो, 5 केजी का हो, 8 केजी का हो, या 15, 20 कुछ भी हो, 50 से कम कितना भी हो, उसका जो भाड़ा है वो 50 केजी के हिसाब से ही लगता है, अर्थात 500 या 600 रुपये ही लगता है। तो आप सभी से निवेदन ये रहेगा कि आप ऑर्डर करें तो कोशिश करें कि कम से कम विभिन्न प्रकार की वेराइटीज मिला करके एक बैग की आपकी ऑर्डर हो, ताकि आपके लिए ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, ज़्यादा उसके ऊपर फ्राइट का जो कॉस्ट होता है वो ऐड ना हो। चूँकि अगर 1000 पीस बॉक्स आप मंगवाते हो और उसके ऊपर ही आपको 500 रुपये भाड़ा आ जाता है, तो उसकी कॉस्टिंग जो है वो 50 पैसे के आसपास मान के चलो कि सिर्फ भाड़ा की बढ़ जाती है पर डब्बी की। तो इस चीज़ का आप सभी को ध्यान रखना है कि जब भी ऑर्डर करिए तो कोशिश करिए कि कम से कम एक बैग तो हो ही, ये बॉक्स ना हो। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगरबत्ती उद्योग से संबंधित हैं, हम लोग प्रोवाइड करते हैं, पाउच हो गई, परफ्यूम हो गई, रॉ अगरबत्ती हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो आप वो सब मिक्स करके भी कम से कम कोशिश करें कि एक बैग का आपका ऑर्डर हो, एक बैग आपका कम से कम बन जाए, ताकि वो आपको भाड़ा के लिए सुविधाजनक हो, ज़्यादा एक ही चीज़ के ऊपर लोड ना आए। तो ये आप लोगों से निवेदन रहेगा। दूसरी चीज़ की जो भी बॉक्सेज होती है, कोई भी मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए जो आप लोग ऑर्डर करते हैं तो उसके लिए जो भी पेमेंट होती है वो आपको 100% एडवांस करनी होती है। इसके लिए कोई भी COD वगैरह की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है हमारे पास। तो आप सभी से ये निवेदन रहेगा, चूँकि बहुत सारे बंधु हैं जो कि फ़ोन पे कहते हैं कि उन्हें COD चाहिए, तो COD पॉसिबल नहीं है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, जो कि बहुत बड़े अमाउंट की माल होती है, जैसे कोई मशीनरी वगैरह है तो उसे हम लोग COD करके उसमें भी एक टोकन मनी लेते हैं, टोकन मनी लेकर के फिर बाकी का माल भेज दिए, फिर जब माल पहुंचा तो पेमेंट होता है। बट जो भी कम अमाउंट का ऑर्डर होता है उसके अंदर COD पॉसिबल नहीं है, जैसा कि हमने हमारे एंड से पूरी तरह से रिसर्च कर लिया है, बट पॉसिबल नहीं है। अगर करते हैं तो वो थोड़ा सा हम लोगों के लिए कॉस्ट मतलब महंगा हो जाता है, उसके ऊपर कॉस्टिंग बढ़ जाती है, तो वो आपके लिए भी नुकसानदेह है और हमारे लिए भी नुकसानदेह है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी बंधु इस बात को समझेंगे। यदि आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है, डिस्क्रिप्शन के नीचे भी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि कैसे हम आपकी सहायता कर सकते हैं और ये बॉक्स आप तक कैसे सुचारू रूप से, सही ढंग से, सुरक्षित रूप से पहुँच सकती है, किस ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जाएगी, सारी डिटेल आपको फ़ोन के ऊपर बताई जाएगी। इस बॉक्स की अगर आप प्राइस जानना चाहते हैं तो इसके साथ आप हमारा वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके आप हमें व्हाट्सएप करिए और पूछिए कि इस बॉक्स की प्राइस क्या है और आप कितना मंगवा सकते हैं, ताकि आपके लिए वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, महंगा ना हो। तो आप व्हाट्सएप करके पूछिए इसका प्राइस और ऑर्डर करिए। ऑल इंडिया कहीं भी, वेस्ट बंगाल से लेके तमिलनाडु तक हम लोग सप्लाई कर सकते हैं, कर्नाटका हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, हैदराबाद हो, इंडिया के कोने कोने में हम लोग माल भेज सकते हैं, बसरते कई जगह पे कुछ समस्याएं आती भी हैं, ऐसा नहीं है, कुछ जगह जैसे हमने हाल ही में कासगंज UP माल भेजा है, बट उसमें है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, चूँकि डायरेक्ट मुजफ्फरपुर से हमारे वहाँ के लिए ट्रांसपोर्ट नहीं थी, अब यहाँ से पटना भेजना पड़ा, पटना से फिर किसी और जगह पे उस ट्रांसपोर्टर ने भेजा, फिर वहाँ से कासगंज के लिए वो फॉरवर्ड हो रहा है, तो थोड़ा सा कभी कभार होता है कि टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है, चूँकि इसका मेन कारण यही होता है कि हमारे यहाँ से कोई डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट वहाँ के लिए नहीं होती है। हालांकि जो भी बड़ी सिटीज़ है या थोड़ी सी पॉपुलर सिटीज़ है वहाँ के लिए ट्रांसपोर्ट डायरेक्ट है, BRL ट्रांसपोर्ट हो, आज़ाद ट्रांसपोर्ट हो, TCI फ्राइट हो, और भी बहुत सारी ट्रांसपोर्ट है, माता ट्रांसपोर्ट है, तो वो सब ऑल इंडिया सर्विस लगभग देती है, बट फिर भी कुछ एक जगह है जहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट डायरेक्ट नहीं जाती है, तो उनके लिए भी सॉल्यूशन है हमारे पास। उसके लिए होता क्या है कि यहाँ से पटना गया, फिर पटना से जो उनके स्टेट का कैपिटल होगा वहाँ किसी ट्रांसपोर्ट में गया, फिर वहाँ से कॉन्टैक्ट होके उनके होम सिटी तक वो माल जाता है। तो माल इंडिया के एक एक कोने में हमारे यहाँ से जाएगा, उस चीज़ के लिए आपको निश्चिंत रहना है। हो सकता है कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो तो थोड़ा सा अतिरिक्त टाइम लग जाए। तो आप सभी बंधुओं से निवेदन है कि यदि आप चाहते हैं इस बॉक्स को ख़रीदना तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर और स्क्रीन के ऊपर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उस बॉक्स को ख़रीद सकते हैं और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट के साथ। चूँकि हर वीडियो के अंदर हमने ये कहा है कि आपको बिजनेस जब भी स्टार्ट करनी है तो कम से कम इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट करनी है, चूँकि यदि आपसे कुछ गलती भी होती है बिजनेस के अंदर तो आपको नुकसान कम से कम हो। अगर मान के चलिए आपका जो
बिजनेस का इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख का हो, नुकसान अगर होता है तो उसमें कितना होगा, 10,000-20,000 का नुकसान होगा। यदि आपने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख-10 लाख रुपये लगा करके, तो उसमें अगर 10% का भी नुकसान होता है तो 50,000 या 1 लाख-2 लाख का नुकसान हो सकता है। ये हमारा मेन मकसद होता है कि आप सभी को रेडीमेड बॉक्स या पाउच या कोई भी मटेरियल जो कि कम क्वांटिटी में जा सके उपलब्ध कराना हमारा मेन मकसद है इसी चीज़ को लेकर के। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी समस्त जानकारी समझ पाए होंगे। तो मिलते हैं किसी अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।